हे गाइस, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है मेरे एक नए वीडियो में। और इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक ट्रिमर जो है फिलिप्स का, जो मैंने फ्लिपकार्ट से ऑर्डर किया है और अभी अभी जो मेरे पास पहुँचा ये ट्रिमर। अब देखते हैं इसका अंदर क्या है, मुझे क्या मिलता है। मैं तो एक प्रोफेशनल अनबॉक्सर नहीं हूँ, पर फिर भी मैं आप लोगों को दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि इसके अंदर क्या है। ये ओपन करने के बाद और बॉक्स मिल जाता है, देख सकते हैं यहाँ पर ट्रिमर है फिलिप्स का। इसका मॉडल नंबर है QT4000। इसको साइड में करते हैं और इसका देखते हैं, इसको इजी टू क्लीन। और जो प्राइस है यहाँ पर 1475, मेरे को ये पड़ा है 1250 रुपये। तो इस बॉक्स को ओपन करते हैं, देखते हैं इसके अंदर क्या है। यहाँ पर देख फिलिप्स का लगा देता हूँ, पहले एक और बॉक्स मिलता है जिसके अंदर है हमारा ट्रिमर। देख सकते हैं जो ट्रिमर लगा इस तरह का दिखा, पता नहीं इसके अंदर बैटरी है या नहीं, तो मैं देखता हूँ बॉक्स के अंदर और मिलता है कुछ गाइड, जो कि लिखा हुआ है इंग्लिश में और पढ़ सकते हैं। और मिलता है इसका शायद यूजर मैनुअल, इसका यूजर मैनुअल बहुत ही बड़ा है, आप इसे चाहे तो पढ़ सकते हैं। और देखते हैं क्या मिलता है। और मिलता है चार्जर, शायद एक उन्होंने दूसरा एलजी प्रोडक्ट का एक एडवर्टाइज ऐड दिया है इसके अंदर। और मिलता है ब्रश, इससे आप ये क्लीन कर सकते हैं इसे। इसका जो ब्लेड है इसको ऐसे एक पैन को मिलता है, इस पर इसका खोलने का इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है। देखते हैं ये ओपन होते हैं कि नहीं, अगर नहीं ओपन हुआ तो मुझे इसे चार्ज करना पड़ेगा। गाइस ये नहीं चल रहा, तो इसको मुझे चार्ज करना पड़ेगा पहले, उसके बाद ही ये चलेगा। और उसके बाद मैं इसे यूज़ करने के बाद आप चाहे तो मैं और एक वीडियो बना के इसका और एक रिव्यू कर दूंगा। तो फैन बंद किया हुआ है क्योंकि बैकग्राउंड नॉइज़ के लिए, तो मुझे बहुत ही गर्मी लग रही है, इसलिए मैं बहुत ही जल्दी ये रिव्यू ख़त्म करने वाला हूँ। और अगर आपका कोई और इसके बारे में कोई सवाल है तो आज नीचे कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। और मेरे बैकग्राउंड में बहुत ही नॉइज़ है, मैं समझ सकता हूँ, पर क्या कर सकते हैं, मैं कुछ नहीं कर सकता इसके बारे में। और इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपका कोई सवाल या सुझाव हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं और मैं ज़रूर से ज़रूर उस कमेंट का रिप्लाई करूंगा। और देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो जय हिंद।